अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू असमा यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे सर्दियों को। हमारे तोते भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे तोते ज़िद कर रहे थे कि हमें ऊपर धूप लगवाई जाए, तो इसलिए हम इनको ना पकड़ के छोटे पिंजरे में शिफ्ट कर रहे थे। तोतों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, तो ये काम हमारे भाई का है बेचारे का। बड़ी मुश्किल से इसने तोते जो हैं वो छोटे पिंजरे में शिफ्ट किए आज। तो हमने सोचा कि इसका व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इतना बेचारे को काटा, इतना भगाया इसे। कभी तोते इसके सर पे बैठ जाएं, कभी हाथ पे, कभी इसके नीचे चले जाएं। तो आप लोग इन्जॉय करें इस व्लॉग को। पकड़े पकड़ाए तोते जो हैं वो छूटते जा रहे थे। पेंटो को पकड़ना कौन सा आसान काम है। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाले नए व्लॉग और नई रेसिपीज़ आपको मिल सकें। तोते इतना लड़ रहे थे ना हमारे भाई के साथ बहुत ज़्यादा। ये जो छोटा पिंजरा है ना हमारा, ये लकड़ी का है। जो पहले हमारे तोते थे ना वो इसी में थे। बड़े पिंजरे में हमने बाद में शिफ्ट किए हैं जब माशाल्लाह से हमारे तोते ज़्यादा हो गए। पहले जब छोटे पिंजरे में थे तो इन्होंने ना लकड़ी खाना शुरू कर दी थी, काफ़ी अपने ही पिंजरे को खाना शुरू कर दिया। ये जो तोते हैं ये लकड़ी बहुत खाते हैं, तो इन्होंने लकड़ी खा खा के इसके नीचे से सुराख कर लिया था पिंजरे के नीचे से, और हमारे सारे के सारे तोते उड़ गए थे और बस तीन चार रह गए थे। हम लोग कहीं गए हुए थे शादी पे, तो जब आके देखा सिर्फ अंदर तीन चार थे। मम्मा ने जब इन्हें खाना डाला तो देखा कि तोते नीचे नहीं आए, सिर्फ दो तीन तोते आए खाने पे। तो फिर मम्मा ने जब देखा तो इन्होंने सुराख किया हुआ था और अंदर कोई भी तोता नहीं था। तो माशाल्लाह से उसके बाद काफ़ी सारे हो गए। फिर हमने बड़े तोते में बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर दिए। तो जब से हमने बड़े पिंजरे में शिफ्ट किए हैं तो इन्होंने जो हैं वो अंडे देना बंद कर दिए हैं। अंडे देते हैं लेकिन तोड़ लेते हैं खुद ही और बच्चों को मार देते हैं। पता नहीं कौन सी तोती कर रही है ऐसा। तो हमने सोचा कि चलो इन्हें छोटे पिंजरे में शिफ्ट कर देते हैं, वैसे भी सर्दियां हैं, ऊपर धूप लगवानी होती है। तो हमने इन्हें छोटे पिंजरे में शिफ्ट कर दिया कि चलो वापस अपनी औकात पर आ जाओ, आप लोगों को बड़ा पिंजरा जो है वो सेट नहीं आया। इतने कन नखरे वाले हैं ना हमारे तोते, कहते हैं कि बस हमारी खिदमत किए जाओ। हमने अपने भाई से कहा कि चलो इन सारों को दे दो, कोई फ़ायदा तो है नहीं इनका, एक दूसरे को मारते जा रहे हैं और कम हो जा रहे हैं। तो भाई कहता नहीं, मेरा दिल नहीं करता किसी को देने को, बस ठीक है जितने हैं, अच्छे लगते हैं, इनकी आवाज़ें अच्छी लगती हैं। तो हमें ना आदत हो गई है बेसिकली इनकी आवाज़ों की। तो इस तरह से पकड़ता जा रहा था एक एक और छोटे पिंजरे में शिफ्ट किया जा रहा था। अभी तो शुक्र है इसने ग्लव्स पहने हुए थे, एक हाथ में ग्लव पहना हुआ था, और ग्लव के ऊपर ये इतनी ज़ोर की काटी कर रहे थे ना कि अगर ग्लव ना पहना होता ना फिर तो बोटी निकल आती हाथ की, इतनी ज़ोर की काटी करते हैं ये। ये पकड़ा पकड़ा गया, छूट गया। बड़ी मुश्किल से पकड़ा फिर दोबारा इसे। जब हमारा भाई छोटा था ना तो इसे जानवरों का, बकरियों का बहुत ज़्यादा शौक होता था, तो बस ये इसकी शौक है। तो तोते ऊपर धूप में जाके इतना खुश हुए कि चुप करके बैठ गए, ज़रा छू भी नहीं की और बस धूप सेकते रहे मज़े से। जहाँ जहाँ धूप होती है वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो बस इन्हें धूप ही चाहिए थी। अब तो ये धूप इंजॉय कर रहे हैं और आप भी इस व्लॉग को इंजॉय करें। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।